बस भागो बस अबे भागो रोहित रोहित आप सभी लोग जल्दी से यहां से निकल जाइए, यहां ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। जमांतरम धरत्याम कालांतरम प्रकटम प्रकटम हजारों वर्षों के पश्चात मिली है हमें हमारी आजादी और प्रचंड शक्ति। हमारी ये आजादी और प्रचंड शक्ति बनेगी तुम सबके विनाश का कारण। हमारी आजादी के सूर्य उदय के साथ तुम सबके जीवन का सूर्य अस्त होगा। रानी परी, बाल परी, विषधार परी, आर पार परी, भटकाती परी, भटकाती परी, डरी परी, हम आ गए हैं तुम सबको तुम्हारे कर्मों का दंड देने। हमारे लालच के कारण जीवित होते हुए भी हजारों साल हम धरती में समाये रहे।
सबको ढूंढ लेने के पश्चात हम सीधा तुम्हारे जीवन का विराम कर देंगे। ब्रह्मांड में कहां छिपी हो तुम परियों, कहां छुपी हो? बाप रे, वहाँ की जमीन कितनी हिल रही थी। हाँ यार, और वो आवाजें सुन के तो मेरा जी बहुत खट्टा हो रहा था। वो जगह ही बहुत बेकार। अरे मानव, बॉल पास करना। ये ले। तो तेरा जी इकट्ठा क्यों हो रहा है? बोलो नहीं, नहीं बोलो, नहीं, मैं जा रहा हूँ। पिद्दे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मोंटुनो ग्रेटेस्ट लगानी को बॉल मारने की? तूने जरा भी नहीं सोचा कि फुटबॉल को कितना दर्द हुआ होगा? हाँ, पता नहीं, चल देखते हैं। जिस भी ग्रह पर इन परियों का वास हो वो मेरी नजरों से नहीं बच सकती है। हमारी प्रचंडतम शक्तियां भी परियों का स्थान नहीं ढूंढ पा रही हैं। प्रतीत होता है कि परियों ने जादुई तरंगों से अपने आप को बचाने के लिए कोई जादुई शक्ति प्राप्त कर ली। परंतु हम भी विश्राम नहीं करेंगे जब तक हम इन परियों को ढूंढ ना निकालें। बालवीर, परियों, हमें ऐसी सूचना मिली है कि पृथ्वी लोक में पृथ्वी कुछ इस तरह से हिली जैसे कि कोई भयानक भूकंप आया। पर शुक्र है रानी परी, अब सब कुछ शांत है। लेकिन नटखट परी, कभी कभी इतनी शांति आने वाले खतरे का संकेत भी होती है। अब डरिए मत डरिए परी, अब अपनी नई शक्तियों के साथ मैं बुरे शक्तियों का और भी अच्छे तरीके से मुकाबला कर पाऊंगा।
ये तो बहुत ही अच्छी बात है बालवीर, लेकिन ये मत भूलिएगा कि बुराई की शक्ति भी कई गुना बढ़ती जा रही है। हाँ बालवीर, और वो कब और किस रूप में अच्छाई पर आक्रमण करेगी ये हम सोच भी नहीं सकते। हाँ बालवीर, भटकाती परी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहीं भी छुप जाओ परियां, हम तुम्हें ढूंढ ही निकालेंगे। पागल हो गए? नहीं, ये सब पागल हुए नहीं है, हो जाएंगे। मोंटू और मानव को देख, ऐसा लग रहा है जैसे शिकार और शिकारी दोनों दोस्त बन गए। ओ हेलो, मैंने कहा हाय। वेल, मैं कंफ्यूज हूँ, तुम लोग बोल नहीं सकते या फिर सुन नहीं सकते? ओ वही वो, वैसे इतना तो बता सकते हो ना कि प्रिंसिपल सर का ऑफिस कहाँ है? थैंक यू, कूल। हेलो मोंटू, चुप जाएंगे। खींचने की कोशिश कर रहा है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए परियों, हम सबको मिलकर इस शक्ति को परीलों को खींचने से रोकना चाहिए। मुझे बस थोड़े समय की जरूरत है, तब तक आप सब अपने आप को संभालिए और अपनी शक्तियों को एकत्रित कीजिए। कौन सी जादुई शक्ति है जिसने ग्रह को खींचने की हमारी इस गति को कम कर दिया? परियो, अब आप सभी इसी दिशा में एक साथ वार कीजिए। ठीक है बालवीर, चलिए परियो। हम पर वार करने वाली एक नहीं,
बहुत सारी जादुई शक्तियां। ये क्या हुआ, अचानक सब रुक कैसे गया? हम पर वार करने और रोकने वाली शक्तियां शायद ये परियां ही थी, और यदि ये बात सत्य निकली तो हम इन्हें बहुत बड़ा दंड देंगे, बहुत बड़ा। लेकिन इस समय हम अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करके कमजोर हो गए हैं, और परियों पर दोबारा वार करने के लिए हमें अपनी जादुई शक्तियों को बढ़ाना होगा, और इसके लिए हमें पृथ्वी लोक पर जाना होगा जहां परियां हमें खोज ना सके। हमारी सारी जादुई शक्तियां और भी प्रचंड और भी घातक होकर लौट आई। परियों पर हम अब ऐसा तीव्र वार करेंगे कि अब हम नहीं वो अपना शीश झुकाकर हमारे पास आए। Welcome to your new school, AVP Vidya Mandir. Monica. Thank you, sir. Welcome. वैसे मोनिका को आपका स्कूल बड़ा ही कूल लगा। कूल? अरे ये तो अब तक कूल था। तुम्हारे आने के बाद ये कूल हो गया। एक्चुअली मेरे पॉप्स ने सॉरी मेरे पापा ने आपको थैंक यू कहा था क्योंकि आपने मोनिका को मिड टर्म में एडमिशन दिया। वेलकम। नहीं मोनिका, थैंक यू तुम्हें क्योंकि तुमने हमारे स्कूल में एडमिशन लिया है। बस अब तुम हमारे क्लास में भी आ जाओ। तुम्हारा क्लास और सेक्शन देखते हैं। मोनिका 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 नहीं है। मोनिका 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 यहाँ भी नहीं है। अगर मोनिका मेरे क्लास में आ जाए तो मैं पूरे साल पढ़ाई करूंगा। मोनिका क्लास 9 सेक्शन सेक्शन ए। थैंक यू सर।
भाग भाग। मैं पूछ रहा हूँ कौन है वहाँ? अरे बेवकूफ मोंटू, माना तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? Go to your class. Montu, I said go to your class. Whatever. परियां बहुत प्रेम करती है ना पृथ्वी के बच्चों से। शेष झुका कर आएंगी अपने पृथ्वी के बच्चों को बचाने के लिए। सर्वम अग्नियम विनाशम कुरेशम ध्वस्तम। अद्भुत शक्तियों वाले ये कौन है? पर बच्चों को चोट क्यों पहुंचा रहा है? ये बालक हमें देख सकता है, इसका अर्थ है कि ये कोई साधारण योद्धा नहीं है। ए पिद्दी, आई क्या? सर को देख के भी इतने जल्दी उठते नहीं है। Hi, I am Monica. Yes. Welcome, Monica. हमारी क्लास में तुम्हारा स्वीट वेलकम। मेरा तो मन मीठा हो रहा है। थैंक यू। इतना तो बता सकते हो ना कि मोनिका कहाँ बैठेगी? यहाँ मोनिका आओ। यहाँ बैठो। यहाँ बैठ। यहाँ बैठ। यहाँ बैठो। मोनिका को बैठा। मैं क्यों हटूं यहाँ से? तू जाके कहीं और बैठ। नो 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 नो, वहाँ नहीं। मोनिका को ना वहाँ गर्मी लगेगी। मोनिका ऐसी जगह पे बैठेगी जहाँ बहुत हवा आती हो। तो क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? ये भी कोई पूछने वाली बात है? बैठो बैठो। हाय, मैं मानव। हाय, आई एम मोनिका। मानव,
ये मेहर की जगह है। तुम बैठी क्यों हो? खड़ो ना, मेरा मतलब तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। ओ हेलो, ये मेरी जगह है, तुम यहाँ क्यों बैठ रही हो? ओ यू हेलो, मुझे मानव ने यहाँ बैठने को कहा। राइट मानव? राइट मोनिका। देखो मोनिका, मानव ने जो कहा वो भूल जा, और मैं अभी जो कह रही हूँ वो याद रखो, ये बेंच मेरी है, यहाँ बैठूंगी मैं, तुम नहीं। ये इतने प्यार से कह रही है तो ऐसे यहाँ पे बैठने दो ना, तो एक दिन यहाँ बैठ जा। मानव तेरी तो पीठ। हेलो, टेक अ सर्कल, मोनिका चली जाती है, एंड आई एम श्योर मोनिका विल बी वेलकम समवेयर। ऑलराइट, तो मुझे कौन सका देगा? मैं। करने वाले, मुझ पर वार नहीं करोगे? तुम जैसे शूरवीर योद्धा को मिलकर हमें प्रसन्नता हुई। वीरों की हम प्रशंसा करते हैं, उन पर वार नहीं करते हैं। बालक, कौन हो तुम? मैं सच्चाई और अच्छाई का रक्षक बालवीर। कौन है तुम्हारे गुरु जिन्होंने तुम्हें इतनी अद्भुत शक्तियां प्रदान की? मेरा कोई एक गुरु नहीं, सभी परियों ने मिलकर मुझे शक्तियां दी हैं। परियां? हाँ, सभी परियों ने अपनी शक्तियों से मुझे बच्चों का दोस्त बनाया है ताकि मैं उनकी रक्षा कर सकूं। परियां? वो दुष्ट परियां? उन्होंने बच्चों की सुरक्षा के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने तुम्हें इतना बड़ा योद्धा बनाया है। इसका अर्थ है कि तुम भी उनकी तरह दुष्ट, लालची और विश्वासघाती होगे। देखिए, लगता है आपको कोई गलतफहमी है। परियां तो परियां हमारी शत्रु हैं, और तुम उनके साथी हो, और तुम भी हमारे शत्रु हो। इसलिए उनसे पहले उनके गुस्से का दंड अब तुम्हें भुगतना होगा। परियों पर होने वाला पहला प्रहार अब तुम पर होगा बालवीर। परिया विश्वासघाती नहीं है, वो तो सच्चाई और अच्छाई की रक्षक है, वो पृथ्वी लोक की रक्षा के लिए बनी है। पृथ्वी लोक की सुरक्षा? देखते हैं अब तेरी सुरक्षा के लिए वो यहाँ आती है नहीं। शत्राम व्यापम समापम। दुष्ट परियों का साथी है ना तू, पुकार उन्हें। अरे आपको गलत फहमी है, परिया सच्ची है। सुनने का वक्त समाप्त हुआ बालक, अगर तुझे अपने प्राणों की रक्षा करनी है तो तुझे उन दुष्ट परियों को यहाँ पर बुलाना होगा ताकि हम उनके प्राण छीन सके, उनके कर्मों का दंड उन्हें दे सके। अब चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं परियों को नहीं बुलाऊंगा। अजरम गहरम प्रचंतम। बुला परियों को। नहीं बुलाऊंगा।
तो बालवीर के चीखने की आवाज है। हाँ भट्टा दी परी, हर आवाज सुन के लग रहा है जैसे बालवीर बहुत बड़े खतरे में है। गुड मॉर्निंग बच्चा, सब लोग आगे देखो। अरे यहाँ क्या देख रहे हो, आगे देखो। जिंदगी में आगे देखने वाले समझदार होते हैं और पीछे देखने वाले बेवकूफ। कभी कभी बेवकूफ बनना भी कितना अच्छा लगता है सर। चुप करो मानव, सब लोग आगे देखो वरना 10 बार होमवर्क करवाऊंगा। ये मोंटू को मैं कैसे ठीक करूं? मंडा, आगे देखो। सर, कुत्ते की दुम और मोंटू बॉस की गर्दन कोई सीधी नहीं कर सकता। और तेरे बाल कौन सीधे कर सकता है? मानिका, काम करो, तुम आगे आ जाओ। ये तो बच्चों, ये है मोनिका या न्यू क्लासमेट। गुड मॉर्निंग मोनिका। मुझे तो इतना प्यार से किसी ने गुड मॉर्निंग नहीं कहा। बाय द वे, क्लास टीचर मैं हूँ, गुड मॉर्निंग मुझे बोलना चाहिए। था नहीं, और कितने बार हाय हेलो होगा इनका। ओके, All of you, sit down. तो बच्चों, जैसे कि लास्ट टाइम हमने हिस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए ग्रुप बनाए थे, अब उन ग्रुप को हिस्ट्री मॉन्यूमेंट के 3D मिनिएचर बनाने हैं। मोनिका पहले हमारे साथ नहीं थी, तो मोनिका को कौन अपने ग्रुप में शामिल करना चाहेगा? मैं। हाथ नीचे करो, टूट जाएंगे। मोनिका, अब तो तुम ही डिसाइड करो कि तुम्हें किस ग्रुप में जाना है। बालवीर, 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 ये क्या हो गया आपको? गुरुदेवा, गुरुदेव, बालवीर, बालवीर, आश्चर्य हो रहा है ना? हमें जीवित देखकर दुष्ट परियों नहीं गुरुदेव, हम आपको देखकर आश्चर्यचकित नहीं, बल्कि हम तो आपको देखकर बहुत खुश हैं गुरुदेव। झूठ है ये रानी परी, झूठ। हमें जीवित देखकर तुम सब प्रसन्न नहीं, दुखी हो, और ये जो खुशी जता रही हो तुम सब, ये हमारे क्रोध से बचने के लिए कर रही हो। नहीं गुरुदेव, नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको आपको गलतफहमी हुई है। सत्य तो ये है कि अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए छल से तुम सबने हमें हमेशा के लिए धरती में समा दिया। आप गलत समझ रहे गुरुदेव। गलत तो हम तब थे जब हमने तुम सबको अपना शुभ चिंतक माना, जबकि तुम विश्वासघाती निकले, और इसका हम बहुत बड़ा दंड देंगे तुम सबको। जो युद्ध सदियों पहले अधूरा रह गया था, आज हम उसे पूरा करेंगे। सर झुकाने से तुम सबकी गलती कम नहीं होगी, तुम सबकी छल की सजा हम सदियों भुगत चुके हैं,
और इससे ज्यादा कई ज्यादा चोट हम तुम सबको पहुंचाएंगे। अपने अपने शस्त्र सामने करो और हमसे युद्ध करो। नहीं गुरुदेव, गुरुदेव आप हमारे गुरु, आपने हमें ज्ञान दिया है, हमें हमें हमारी जादुई शक्तियां दी हैं। हम आपके साथ युद्ध कतई नहीं करेंगे। अच्छे शिष्य होने का ढोंग नारा चौरानी परी, हमारी शिक्षा का स्मरण तुम सब ने तब क्यों नहीं किया जब हमारी बजाय तुमने पृथ्वी लोक को चुना। तुम सब पृथ्वी पर राज करना चाहती हो ना? लेकिन ना रहेगा पृथ्वी का अस्तित्व और ना रहेगा तुम सब का अस्तित्व। अजरम शस्त्रम श्वस्तम रक्तम मरमम। परिया गुरुदेव के आदर के कारण उन पर वार नहीं कर रही है, लेकिन अगर गुरुदेव को नहीं रोका गया तो परियों की शक्तियां हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। विश्वासघाती परियों का साथी पीठ पर वार नहीं करेगा तो फिर कैसे करेगा? मैं आप पर वार नहीं करना चाहता था, लेकिन सच्चाई और अच्छाई की रक्षक परियों की शक्तियों को बचाना मेरा फर्ज है, और चाहे उसके लिए मुझे आप पर वार भी करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। नहीं बालजी, बालवीर आप गुरुदेव पर वार कभी नहीं करेंगे। गुरुदेव हमारे गुरु हैं और इसीलिए ना हम गुरुदेव पर वार करेंगे और ना ही कर देंगे। हाँ बालवीर, रानी परी बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक है परी, मैं गुरुदेव पर वार नहीं करूंगा, लेकिन इससे पहले ये खुद को आजाद कर ले हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप पर फिर से वार करें। ठीक है बालवीर, गुरुदेव हमें क्षमा कर दीजिए। परियो, दोबारा अपने प्राण बचाने का अवसर हम कतई नहीं देंगे। जंजीरम पिघलम ध्वस्तम शक्त्याम। मोनिका मोनिका, तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, हम बहुत अच्छा मॉन्यूमेंट का डिजाइन बनाएंगे। नहीं नहीं मोनिका, तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि पिछले बार हमें फर्स्ट प्राइज मिला था। ये तो झूठ बोल रहा है, इसे तो लास्ट प्राइज मिला था। नहीं नहीं, तू सेकंड लास्ट आया था। नहीं तू लास्ट आया था, तू झूठ बोल रहा है। मोनिका ये झूठ बोल रहा है। मोनिका हमारा ग्रुप ज्वाइन करो प्लीज, मोनिका हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो। ओ हेलो मोनिका, ना उसका एक ग्रुप ज्वाइन करेगी जो फर्स्ट आता है, अंडरस्टैंड, और उसे मॉन्यूमेंट के बारे में जानकारी। मोनिका अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें फर्स्ट आकर दिखाऊं। चल रोहित। मोंटू बॉस, आपके दिमाग में हमेशा ये बेवकूफ भरे आइडिया कहां से लाते हो? तो वो तो मेरा पैदाइशी टैलेंट है। क्या बोला? मेरे कहने का ये मतलब था मोंटू बॉस, आपके दिमाग का दरवाजा तो हमेशा के लिए बंद ही रहता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मोंटू बॉस, ये मोनिका के सामने आके तो आपकी बोलती भी बंद हो जाती है, तो आप उसको अपने ग्रुप में लाओगे कैसे? वो तो है,
मोनिका को इम्प्रेस करके मुझे अपने ग्रुप में लाना ही है। आइडिया। रोहित, मोनिका ने अभी तक मेरी आवाज नहीं सुनी है, तो अब तू बनेगा मोंटू की आवाज। हाँ देख, तू यहाँ सीढ़ी के ऊपर बैठेगा और इस हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में से तू कुछ पढ़ेगा और मैं तेरे लिप्स को सिंक करूंगा, समझा? जैसे वो एक्ट्रेस और एक्ट्रेस करते हैं ना गानों में। वाह मोंटू बॉस, वाह, आपके अकल के बंजर के सभी आइडियाज फसल होना शुरू हो गई है। तो ये आवाज क्यों बंद हो गई? मोंटू, तुम फिर से आ गए? प्लीज इस बार कुछ बोलो। ताजमहल उत्तर प्रदेश आगरा में है, वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक है। ये व्हाइट मार्बल से बनाया हुआ है, इसे मुगल राज में बनाया गया था। इस ताजमहल को शाहजहां ने अपनी क्वीन मुमताज के लिए बनाया था 1643 में। ये रोहित ने तो आज तक क्लास में भी कुछ नहीं पढ़ा, तो यहाँ क्या पढ़ रहा है? अरे नहीं, मोंटू का मिशन इंप्रेस मोनिका वो चल रहा है, उसे अपने ग्रुप में लेने के लिए, तो हमें इनका ये मिशन फेल करना होगा, वरना मेरा जी खट्टा हो जाएगा। चल चल। अरे वाह मोंटू, तुम्हें तो ताजमहल के बारे में सब कुछ मालूम है, बट मैं सोच रही थी क्यों ना हम कुछ ऐसा बनाएं जो कोई भी नहीं बना रहा हो। वाह, स्पेशल चाहिए और स्पेशल मिल गया, तो आज हम बनाएंगे खट्टे मीठे कद्दूओं की सब्जी। सबसे पहले हम लेंगे बड़ा सा कद्दू, फिर कुछ मसाला, जीरा धनिया पाउडर, थोड़ा नींबू का रस, थोड़ी सी चीनी, बोले तो यूं पानी आ जाओ। मोंटू, ये तुम क्या बोल रहे हो? ताजमहल से डायरेक्ट खट्टे मीठे कद्दू पे? मैंने तो तुम्हें देख के पहचान लिया था कि तुम कोई मोनुमेंट नहीं बना सकते, तुम एक खट्टा मीठा कद्दू ही बना सकते हो। फिर उस रोटी को तोड़ेंगे, इसको सब्जी के साथ लेंगे और चटपटा के साथ मुंह में डाल के खाएंगे। तू खाएगा बेटा। चलिए बालवीर, चलिए भरियो। धरती के नीचे इस तहखाने में हम सब सुरक्षित रहेंगे, यहाँ हमें कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। नानी परी, ये गुरुदेव कौन है और वो आप सबसे इतना नाराज क्यों है कि वो आपका अंत करना चाहते हैं? गुरुदेव ने हमें ये सारी जादुई शक्तियाँ दी है, इनका प्रयोग करना सिखाया है, और आज आपकी जादुई शक्तियाँ खत्म करने के लिए वही आप पर वार कर रहे हैं। लेकिन रानी परी, आप अपने बचाव के लिए उन पर वार क्यों नहीं कर रही? क्योंकि बालवीर,
वो हमारे गुरु है और गुरु का सम्मान किया जाता है, उन पर वार नहीं किया जाता। परानी परी परियो, अगर वो आपके गुरुदेव है और सच्चाई और अच्छाई के साथ है तो पृथ्वी लोक पर बच्चों को चोट क्यों पहुंचाना चाहते हैं और आप सब परियों का क्यों अंत करना चाहते हैं? कुछ गलत फहमियों की वजह से। हाँ बालवीर, कई हजारों साल पहले गुरुदेव के साथ जो कुछ भी हुआ शायद वो उसका दोषी हमें मानते हैं। कई हजार साल पहले एक बुरी शक्ति ने गुरुदेव का अपहरण कर लिया था। परियों, तुम्हारे गुरुदेव मेरी कैद में है और अगर तुम्हें गुरुदेव वापस सुरक्षित चाहिए तो तुम्हें पृथ्वी लोक को नष्ट होने देना पड़ेगा। हमारे होते हुए ना तुम पृथ्वी लोक को नुकसान पहुंचा पाओगी और ना ही गुरुदेव को। नहीं परियों, आज किसी एक को तो तुम्हें खोना ही पड़ेगा। अगर पृथ्वी लोक को बचाओगी तो गुरुदेव को हमेशा के लिए खो दोगी। अब निर्णय तुम्हें करना है और वो भी जल्दी। लगा था कि हम पृथ्वी को बचाने के बाद गुरुदेव को भी बचा लेंगे, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कर पाए। हमने गुरुदेव को बहुत ढूंढा और कई सालों तक गुरुदेव को ढूंढने के बाद हमें ये पता चला कि उस बुरी शक्ति ने गुरुदेव को अपनी जादुई शक्तियों से खाई में ना जाने कहां समा दिया। हाँ, और इसीलिए शायद गुरुदेव को ये गलत फहमी हो गई कि हमने अपने फायदे के लिए उन्हें जानबूझकर बुरी शक्ति से नहीं बचाया था। तो हमें जल्द से जल्द उनकी गलत फहमी को दूर करना होगा। पर बालवीर, ये सब उनका गुस्सा शांत होने के बाद ही किया जा सकता है। लेकिन उनका गुस्सा शांत होगा कैसे? गुरुदेव गुस्से में किसी की भी बात नहीं सुनते हैं। सही कहा आपने नटखट परी, जब तक गुरुदेव पृथ्वी लोक और हम सबको समाप्त नहीं कर देते तब तक उनका गुस्सा शांत नहीं होगा। नहीं, हमें उन्हें ऐसा करने से रोकना ही होगा। नहीं बालवीर, नहीं। गुरुदेव इतने शक्तिशाली हैं कि अगर हम सब उन्हें रोकना चाहें तब भी हम सब मिलकर भी उन्हें रोक नहीं पाएंगे। थैंक यू नील, मनीष, मानव, महेश, सलोनी, कि तुमने मोनिका को अपने ग्रुप में लिया, क्योंकि उस मोंटू ने ना मोनिका का मूड स्पॉइल कर दिया था। यू नो व्हाट, वो हंस रहा था मुझ पर। वैसे हंसी तो हमें भी आती तुम पर, राइट बेब? राइट बेब, कूल कूल वो यो। तुम चिंता मत करो मोनिका, मेरे होते हुए तुम पर कोई भी नहीं हंसेगा। थैंक यू। Welcome. चलो छोड़ो इन सबको, हम लोग ना हमारा प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। हाँ चलो, कुतुब मीनार बनाते हैं। What? कुतुब मीनार? No, not cool. मोनिका जैसी cool है वैसे हर चीज cool बनाती है। Understand? Let's make ताजमहल. What say? Good idea. चलो ताजमहल ही बनाते हैं। यानी ग्रुप की हेड मेहर ने जो डिसाइड किया वो कुतुब मीनार कैंसिल? नहीं, हम कुतुब मीनार ही बनाएंगे क्योंकि ताजमहल बहुत ही कॉमन है और सारे ग्रुप ताजमहल ही बनाएंगे। यानी मोनिका का आइडिया एकदम कॉमन है, बेकार है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग उनसे बेटर ताजमहल बनाएंगे, क्योंकि मोनिका का ताजमहल एकदम बेस्ट बनेगा, बिकॉज मोनिका हर चीज में बेस्ट है। यानी मेहर और सलोनी बेस्ट नहीं है? मोनिका तो यही कह रही है। मानव, मानव, अब तू ही डिसाइड कर, तू जो मॉन्यूमेंट बोलेगा ना हम वो ही बनाएंगे। कुतुब मीनार,
है सलोनी, जाने दे, हम ताजमहल ही बनाते हैं, वरना डिस्कशन करने में सारा टाइम निकल जाएगा। कूल। सॉरी, SORY, सॉरी। मोंटू बॉस, आपको नहीं लगता कि सॉरी की स्पेलिंग SORY नहीं, SORRY होनी चाहिए? बेवकूफ। बॉस, एक लेटर इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट है। हाँ, MONTU मोंटू बोलो या MOTU मोंटू बोलो, बात तो एक ही है। इमोशंस को पकड़ो। क्या बोला? MONTU मोंटू। बॉस कौन बोलेगा? इमोशंस को पकड़ो बॉस। रोई। अब ये लेटर मैं मोनिका को दूंगा, फिर वो ये लेटर लेगी और मुझे माफ कर देगी, और फिर वो स्माइल करेगी, और फिर मैं स्माइल करूंगा, फिर वो मुझे हाय मोंटू बोलेगी और मैं उसे प्यार से मोनू कहूंगा। तुमने मोनिका को सॉरी बोला? हाँ। How sweet. Sweet? Will you dance with me? Yeah, sure. Sorry. Sorry, Monica. Sorry. Montu, you are so cute. वो मुझे प्यार से देखेगी और मैं भी उसे प्यार से देखूंगा। बॉस, मंटू बॉस। मंटा। मोंटू, ये तुमने क्या किया? तुमने सर को गिरा दिया। अभी उठाता हूँ। सॉरी मोंटू, सॉरी मुझे नहीं, सर को बोलो। सर को बोलू? सॉरी सर, सॉरी सॉरी। अरे मेरा पैर है, हाथ पकड़। अबे उठा रहा था कि फेंक रहा था मेरे को, और ये क्या ये सब? मोंटू, तुम कितने बैड बॉय हो, मोनिका को तुम जैसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। अंडरस्टैंड? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।